तो भाइयों हम आ गए आज बुक्कड़ का मसाज कराने, क्लीनअप कराने, क्योंकि काफ़ी दिनों से थकी हुई थी काम कर करके। तो क्लीनिंग चल रही है, मैम से पूछते रहेंगे हम, सारे स्टेप्स होते रहेंगे। और मैम अभी कौन सा स्टेप चल रहा है? ये मसाज चल रहा है थर्ड। क्लीनअप में फोर होते हैं, तो ये थर्ड मसाज चल रहा है, ये मसाज हो रही है। ओके, तो इससे मतलब क्या प्रॉफिट होता है फेस को? क्या फेस क्लीनअप से एक्चुअली ये क्लीन होता है फेस, और थोड़ा सा मतलब ग्लो भी आता है, टैन भी, क्योंकि ये डिटैन का है तो फेस में क्लीन होता है, टैनिंग रिमूव होती है और ग्लो भी आता है। ये सारे मतलब लगभग कितने दिन के गैप पे लोगों को कराते रहना चाहिए? ये आप 15 डे पे करा सकते हो क्लीनअप। अच्छा, उससे ये होगा कि आपके बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा? नहीं, नहीं। मतलब हेल्दी रहेगी हमेशा, स्किन आपकी हेल्दी रहेगी। बुक्कड़ आप केवल इस समय अपनी क्लीनअप के मज़े लेते रहिए, आप बोलिए मत। तो मज़े आ रहे हैं आज बुक्कड़ देखो खाने के लिए। हमेशा हम लोग जाते थे, लेकिन एक काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी काम कर करके काफ़ी थक गई थी, तो हम लोगों ने सोचा कि आज बुक्कड़ को थोड़ा सा रिलैक्स कर दिया जाए, काम से ऑफ कर दिया जाए और एक अच्छी सी मसाज करा दिया जाए। अभी काफ़ी कुछ होना है मसाज के बाद, शायद क्या क्या चीज़ें मैम होनी आज? मसाज के बाद पैक होता है, आपका है। ओके, पहला तो क्लींजर होता है, उसको फेस को क्लीन करते हैं, स्क्रब होता है, स्क्रब करते हैं, डेड स्किन उससे निकलती है, उससे फिर आपका टाइटनिंग के लिए क्रीम से मसाज देते हैं। और सारे यूज होते हैं वन बाई वन, पहले ये फिर ये सारे फोर स्टेप्स होते हैं और हर स्टेप पे एक मसाज होती है। मसाज होते होते फिर उसको वॉश किया जाता है, इनसे वॉश करते हुए फिर वॉश कर करके फिर लास्ट स्टेप पे करते हैं, और फिर उसके बाद इंसान अच्छा फील करता है, गुड फील करता है। और जब वो लोगों के सामने जाता है, क्योंकि बुक्कड़ लोगों के सामने जाती रहती हैं, इनका काम ही है, प्रोफेशन ही है कि खाने को एक्सप्लोर करती हैं, बहुत सारी एड्स वगैरह करते रहते हैं, तो इनका फेस की वैल्यू वो काफ़ी ज़्यादा डिमांडिंग है, तो फेस को भी चमका के रखना पड़ता है। तो इसलिए हम आ गए हैं बुक्कड़ का फेस चमकाने, क्योंकि ये मेरी छोटी बहन भी है, तो हम मैं फन करता रहता हूँ उनसे। और हालांकि मैम काफ़ी अच्छे से और बेहतर ढंग से चीज़ों को कर रही हैं, तो मैम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लास्ट होगा मुझे लग रहा। लास्ट मैम पैक होगा सर। ओके, लास्ट पैक होता है। ओके, ये पूरी मसाजेस के बाद एक पैक होगा जो कि लास्ट स्टेप इनके फेस का होगा, फेस शाइनिंग और बैटिंग एंड स्मूथिंग का, यही होगा ना। चलो बुक्कड़ो देखो आज बुक्कड़ का मसाज हो रहा है, और मैं भी काफ़ी चीज़ें सीख गया हूँ, मुझे भी काफ़ी यहाँ पे नाम मुझे नाम भी जरूरी नहीं है, ये फीमेल का नहीं, मैं भी हो सकता आज मेरे ऊपर भी कुछ ट्राई होने वाला है, अगर होता है तो मुझे तो मज़े आने वाले हैं आज बुक्कड़ के साथ। आप भी आ सकते हैं, जितने भी ऑडियंस है बुक्कड़ की, आप यहाँ पे ये आलमबाग फिनिक्स मॉल के सामने ये मसाज पार बॉडी केयर के किस नाम से बॉडी केयर एंड क्योर के नाम से है, और काफ़ी मैं हम लोगों ने जब इंट्री की और यहाँ का स्टाफ है जो यहाँ पे वेल ट्रेंड वर्कर्स हैं, वेल ट्रेंड मतलब वर्कर्स नहीं कह सकते, वेल ट्रेंड जो भी वेल ट्रेंड मेंबर्स, हाँ मेंबर्स यहाँ पे हैं, जो काफ़ी मतलब उनको प्रोफेशनल भी हैं और परफेक्शन भी इनके हाथों में है। जैसा कि मैं इतनी देर से देख रहा हूँ कि हर एक चीज़ को इजली जो भी मसाज यहाँ कराने आता है वो फील भी करता है कि हाँ सारे स्टेप्स हो रहे हैं, और आपको महसूस भी हो रहा होगा बुक्कड़। आप बोलिए, केवल गर्दन हिला सकती हैं, बहुत मज़ा आ रही है, पूछो नहीं, आज हमारा सारा कारभार माही भाई ने संभाला हुआ है, तो बोलने का तो मज़ा आ रहा है। आप मज़ा लीजिए, बाकी हम और मैम देख लेंगे, क्योंकि मैम से मैं बात करके सारे स्टेप्स के बारे में क्लेरिफाई करता रहता रहूँगा आपको हर एक एक स्टेप पे। चलो ये चीज़ें हो रही हैं, ये थर्ड स्टेप है, और इसके बाद लास्ट स्टेप जब होगा तो भी मैं आपको क्लियर करता हूँ बताता हूँ।
और फिर आप लोग, इसलिए मैं ये वीडियो ला दे रहा हूँ आपको कि आप आओ और देखो, आप भी जान पाओ कि क्या क्या होती है चीजें पार्लर्स में और क्या ओरिजिनल रिव्यू, क्योंकि आप हमारी ऑडियंस लगभग ये जानती है कि हम जो भी काम करते हैं वो ओरिजिनल करते हैं, तो हम ओरिजिनल चीजें दिखा रहे हैं जिससे आप घर बैठे आइए लगाइए कि हाँ एग्जैक्टली ऐसा ही मजा आ रही है पर अभी। और उसके बाद अब आपका मन करे हमारी वीडियो के बाद तो आप मुझे आपके हाथों में जादू है। हाँ ओके थैंक यू। अभी आप मेकअप करा रहे हो, फेशियल कराइए मैम फिर आप देखिए। फेशियल मैंने आज तक कराया नहीं है, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि करा लिया ना मेरी स्किन वैसी है थोड़ी, कुछ दिक्कत ना हो जाए। बहुत अच्छा कर रहा है कि हम नहीं लग गया मैम, बहुत चलने आ रही इनकी चेहरे का आखिरी स्टेप की। तो भाई कैसा लग रहा है आप सबको? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट कर दो, और अगर आप हमारे साथ आना चाहते हो तो हमारे साथ कमेंट करो और हम आपको लेके आएंगे। और यहाँ एक बार विजिट जरूर करें क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छे तरीके से और प्रोफेशनली वे में आपको ट्रीट किया जाएगा। बहुत अच्छा लग रहा है, सारी थकान दूर हो गई। बिल्कुल, भुक्कड़ अगर ऐसा बोल रही तो मुझे लगता है आप लोगों को जरूर यहाँ पे आना चाहिए, और एक बार आ गए तो बार बार आना। वो निकाल रहे हैं कुछ दिखाओ। हाँ ये मैम क्या फाइनल स्टेप है मैम? ये पैक जिसको बोल रहे थे फेस पैक, ये आइस पे कॉटन रहते हैं, इससे आइस पे जो मसाज हुई है रिलैक्सिंग के लिए कि ठंडक थोड़ा आइस को पहुँचे, कूलनेस, और क्लाइंट को भी रिलैक्स फील हो। तो इस प्रोसेस को करने में कितना टाइम लगता है, कितनी देर तक ये मतलब फाइनल मसाज करनी है इसमें क्लीनअप में? हाँ ये जो लास्ट पैक लगाया आपने इसमें मसाज नहीं करनी रहती है, इसको मतलब रिमूव करने में कितना टाइम लगता है? बस 5 मिनट में इसको बस वाटर से थोड़ा सा स्प्रे करके निकालते रहना, आप उसको हैंड से थोड़ा सा मसाज देने बाद रिमूव कर दीजिए, 2 से 3 मिनट मुश्किल से मसाज दीजिए। बिल्कुल, फिर आप ऐसे करके ये हो गया रिमूव, एंड कर दिया। अब मैं टिश्यू से ये टिश्यू से मैं रिमूव कर इससे चेहरे पे क्या क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं? ये क्लीनअप में ज़्यादा तो नहीं होता, ये स्किन आपकी थोड़ा सा जो टैनिंग होती है, डस्ट होता है, ये सब डल जो स्किन होती है थोड़ा बहुत उससे क्लीन हो जाता है, क्लीनअप इसी बेस पे करते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है अभी, बहुत मज़ा आ रहा है भाई, ठंडा ठंडा कूल कूल फील हो रहा है। नहीं आजकल की लाइफ भी काफ़ी हैक्टिक हो गई, तो मुझे लगता है कि लोगों 15 दिन में इस चीज़ में आपको थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहिए, 15 डे पे भी ले सकते हो, क्योंकि घर पे इतना नहीं हो पाता, आप रिलैक्स नहीं हो पाते हो, तो एक प्रोफेशनल जगह पे जाओगे तो आपको प्रॉपर वो चीज़ें मिल जाएंगी जो आपके बॉडी को आपके फेस को नीड होती है। तो ये सारे प्रोसेस हो रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। आपको सनस्क्रीन लगानी होती है, ये इसके बाद स्किन थोड़ा सा पैक के बाद वो ड्राई हो जाती है। तो ये सनस्क्रीन ड्राइनेस को मतलब हटाने के लिए, ड्राइनेस के लिए, और बाहर आप निकलोगे उसको प्रोटेक्ट करते हैं।
तो ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस था 4 स्टेप्स का और ये फाइनल स्टेप है। और मुझे तो लग रहा कि ये आज बुक्कड़ पूरी तरीके से बिल्कुल ऐसा नहीं शांति में लीन हो गई है, किसी भी तरह का कोई हेडेक तो फील नहीं हो रहा होगा इस समय। टेंशन तो बहुत चल रही है दिमाग में। वो नहीं, बॉडी का बताओ, दिमाग का हटाओ। वो तो रहनी है बट हाँ, आप काम, जब भी कराइए तो रिलैक्स नहीं, काम के बीच में अगर बीच-बीच में आप चीजें कर रहे हो तो मैं भी इसे रिलैक्सिंग यो। ओके डन। भाई ऐसा है हमको यहीं सो जाने दो, तुम लोग जाओ अभी है और लोग काओ बाहर बजाए दुनिया बहुत मजा आ रही है। हाँ यार मुझे चंपी करानी है बालों में, करानी चेहरे के फ्रेशनेस देखिए आप, ग्लो देखिए और सुकून देखिए, सुकून देखिए मैम का, मेरा चेहरा ठंडा ठंडा वाह मजा आ गई। तो ये चारों स्टेप ये हमारे यहाँ भी लॉन्च हुआ है, कैनपिकी होता है, क्लीन अप होता है ये कैनपिकी, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी फेस मसाज के बाद बुक्कर ने हेयर वॉश कराने का फैसला किया क्योंकि काफी टेंशन में और थकान से जूझ रही थी, तो अभी हेयर वॉश हो रहा है और हम भैया से पूछते हैं ये पूरे प्रोसेस में क्या बालों के लिए और मतलब ओवरऑल क्या चीज़ें हैं क्योंकि मुझे तो पता नहीं है। तो भैया ये मसाज जो हेयर मसाज है इसके बारे में कुछ आप बताएंगे? अभी पहले हम शैम्पू कर रहे हैं। हाँ, शैम्पू करने के बाद अच्छे से 2 बार शैम्पू होगा, स्कैल्प नीट कर देंगे, फिर हेयर शेप पे ले जाकर तो इनके मैम के मास्क के हेयर के अकॉर्डिंग मास्क करेगा एंड प्योर एड ऑन होगा इसके अंदर, मैम के बाल रफ है डैमेज है उसके अकॉर्डिंग। अच्छा, जिस तरह का मतलब डिफेक्ट है उसी अकॉर्डिंग ट्रीट होता उसके है, अकॉर्डिंग होगा। अगर हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो हेयर फॉल के अकॉर्डिंग होगा। ओके, अगर थोड़ा रफनेस है तो ड्राइनेस को कंट्रोल करने के लिए उसको अपना आफ्टर वॉश, ये सारे प्रोसेस होते हैं। तो ये काफ़ी कैसा लग रहा है बुक्कर तुम्हें? बहुत अच्छा, रिलैक्स फील हो रहा है आज तो, मतलब काफ़ी मुझे लगता है 1 महीना हो गया है इसके बाद ही तुम ये सारी चीज़ें ले रहे हो, काफ़ी थकान भरी जिंदगी जी के आ रही है। बिल्कुल, 1.5 महीने हो गए थे, ध्यान ही नहीं दिया तुमने। हाँ। योगिता का ने बुलाया था तब उसके बाद से नहीं हुआ ना। तो ये पूरी तरीके से हेयर वॉश होने के बाद हेयर ट्रीट होगा इनका, जिस भी तरह की इनके प्रॉब्लम्स होंगी, जुए होंगे या फिर डैंड्रफ होंगे और फिर वो है बाल तो मेरे खराब हो रखे हैं बारिश में। हाँ नहीं, इस टाइम पे ये वक्त भी आप डेली हम भीग रहे हैं और मुझे लगता है कि हमारी ऑडियंस को भी यहाँ पे आना चाहिए क्योंकि ये टाइम काफी उमस वाला बारिश वाला है, तो चेहरे का और बालों का ज्यादा केयर करने का भी टाइम है। क्यों भैया? हाँ, ये टाइम बिल्कुल जो भी ये वीडियो देख रहे हैं जिन्हें भी लगता है कि उन्हें ढूंढ रहे हैं कोई बढ़िया सी जगह, तो ये आलमबाग के सामने है, आलमबाग नहीं सॉरी फिनिक्स के सामने बॉडी केयर एंड के नाम से, तो आप आ सकते हो यहाँ पे। और यहाँ पे टीम भी काफी ज्यादा प्रोफेशनल टीम है। हाँ, मतलब अपने वर्क के प्रति डेडिकेटेड है पूरी तरीके से। हाँ। तो इस मौके को मत गवाइए, आप लोग चले आइए क्योंकि ये बरसात में आप जितना भी केयर कर पाओगे अपनी बॉडी का, अपने फेस का, अपने हेयर्स का, उतना ही इस सीजन निकलने के बाद बालों को और ये सब फेस वगैरह पे जब ये निकल जाता है बारिश वगैरह, मैंने 5-3 ज्यादा प्रॉब्लम और होती है। हाँ, मैंने 3-4 दिन से बाल भी नहीं धुले थे, मतलब टाइम ही नहीं मिल पा रहा है, सुबह उठते हैं एडिटिंग के टाइम भागते हैं जॉब, फिर उसके बाद ये सब चलता रहता है। क्लीनिंग भैया अब ये क्या होगा इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? जा रहा है बालों पे मैम के हेयर के अकॉर्डिंग। ओके, शैम्पू तो ये एड ऑन करके 10 मास होगा।
बाल बहुत ज़्यादा वाइट हो रखा है, मैंने कलर नहीं किया है। तो बालों पे अब मास्क होंगे, बालों को ट्रीट करने, बालों के अकॉर्डिंगली चीज़ें होती हैं यहाँ पे, जिस तरह का जिस भी तरीके का आपके बालों में डिफेक्ट होगा उसी हिसाब का मटेरियल आप पे यूज होगा। यस, ये चीज़ें हैं। इसके हम एंटी ड्राइड ऑन करेंगे, ये डैमेज कॉल ब्रेकेज इन चीज़ों की। तो अभी बालों का ट्रीटमेंट भी हम होते हुए देखेंगे, को अच्छे से मैश कर लेंगे प्रॉपरली पूरा। यस, दोनों में ये अच्छे से एक दूसरे में मैश हो जाएगा बढ़िया से, उसके बाद अप्लाई होगा। यस, बालों पे सेक्शन बाय सेक्शन ये सारे आपके इक्विपमेंट्स हैं। यस, ये मॉर्निंग में सारे ओके प्रोसेस हो जाते हैं। तो अभी कलर हाँ, जो शैम्पू आ रहा है बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहा है वो, और मैं मुझे टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं अपने बालों पे थोड़ा भी ध्यान लगा पाऊँ। अच्छा, ऐसा कर रही हूँ। हाँ, एक तो कंज्यूमर रेंज का कलर मत यूज करिए, मार्केट का होता है। हाँ हाँ, थोड़ा आम होता है, वही उसी वजह से बालों के बेकार हो चुके हैं। लॉरियल का तो मैं पहले यूज करती थी, फिर बीच में मुझे टाइम नहीं मिलने लगा, मतलब मुझे 10 मिनट में अपने बाल बिल्कुल मतलब करना होता है जल्दी, टाइम नहीं है। जो जितना फास्ट काम करता है ना कंज्यूमर रेंज का, वो उतना ही स्ट्रांग होता है, और उस वजह से बाल बहुत खराब हो रहे हैं पिछले 6 महीने से, यही चल रहा है। यस यस, और 6 महीने से टाइम ना होने की वजह से मैं अपने बालों को बिल्कुल भी और काफी स्टेप बाय स्टेप चीजें अप्लाई होती रहती है, वन बाय वन बालों को भी चला रहे हैं, उनको कुछ नहीं पता है इस बारे में। नहीं, हमें भी नहीं पता, और मोस्ट ऑफ द पर्सन हु इज सीइंग आवर वीडियो आई थिंक दे आर नॉट अवेयर अबाउट दिस, सो हम पूरी प्रोसेस आपको बता भी रहे हैं यहाँ पे, जिससे आपको चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि ये काफ़ी अच्छा पार्लर भी है, पार्लर ही तो बोलेंगे, सलून। ओके सॉरी, मुझे ज़्यादा चीज़ें नॉलेज नहीं होती हैं, मैं तभी इससे रिलेटेड फूड के बारे में है। तो आप देखिए किस पे कितने प्रोफेशनली वे में चीज़ें कर रहे हैं, एक एक मतलब थिकनेस को लेके अच्छे से अप्लीकेशन हो रहा है, अप्लाई कर रहे हैं सेक्शन बाई सेक्शन, बिल्कुल जब तक वो पूरा तरह से तब तक करते रहेंगे। हाँ, तो मैं आपको राउंड अप करके दिखाता रहूँगा प्रोसेस, और अगर आप भी ऐसा कराना चाहते हैं तो आप यहाँ पे अपनी टैगलाइन आप बोल दो तो चले आप भुक्कड़ भागते हुए। हाँ, तो भुक्कड़ भागते भागते आ जाओ यहाँ पे, खाना वाना तो बहुत देखते हो आप, और मुझे लगता है कि आपके आज के लाइफ स्टाइल के वजह से भी चीजें डैमेज हो रही हैं। हमारे पास टाइम नहीं होता है, मेन रीजन होता है टाइम नहीं है, तो उस वजह से हम इतना ध्यान भी नहीं दे पाते, तो हाँ टाइम लगाना पड़ेगा। आजकल का खान पान भी ऐसा हो गया जो कि आपके स्किन और हेयर्स पे ही डायरेक्टली डिफेक्ट करते हैं, तो अगर टाइम टू टाइम अगर आप ट्रीट नहीं करोगे तुम्हें भी हो सकता है वो आगे चल के गंजापन या झाइयां इस तरह की भी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। यही हो ही रहा है, अभी मैंने अपने बालों की दुर्दशा बहुत खराब कर रखी है, हेयर फॉल्स वगैरह डेली सोचती हूँ मैं करूँगी तो मुझे टाइम नहीं मिल पाता, फिर वो टल जाता है, और टलने के चक्कर में चीज़ें फिर बहुत खराब हो जाती है। अच्छा, जैसे मैम ने बोला था सर कि फेस वाला 15 दिन पे आप कर सकते हो, तो ये जो हेयर वॉश वाला प्रोसेस होता है वो कितने दिन पे मतलब लेना चाहिए? हेयर वॉश ये हेयर क्लीनिंग वैसे एक नॉर्मल बंदे को 20 डेज पे करना चाहिए। अच्छा, इतने गैप पे करते रहेंगे तो आपका हेल्थ मेंटेन रहेगा, बालों का हेल्थ, हाँ बालों की हेल्थ मेंटेन रहेगी। ये हेयर मास्क अप्लाई कर रहे हैं भैया, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोसेस होता है मैं आपको दिखाता हूँ। इसके बाद मसाज स्टार्ट होनी है। ओके चलो, अब अभी मास्क हो चुका है आपके हेयर पे, अब मसाज का जो थकान आपकी हटाएगी उसके लिए प्रोसेसिंग होने जा रहा है, तो बी रेडी। अच्छा, तो ये आफ्टर
हेयर मास्क, हेयर मास्क के बाद ये आपकी हेड मसाज या हेयर मसाज हो सकते हैं, क्यों हेड मसाज विद हेयर, विद हेयर कह सकते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस या कितने टाइम का होता है, कितना टाइम लगता है इसमें? लगभग 45 मिनट्स के आसपास। ओके नाइस। तो ये बिल्कुल डीप रिलैक्सिंग टाइम होता है किसी भी पेशेंट बोल रहा हूँ मैं सॉरी क्लाइंट के लिए। ये फाइनल स्टेप होता है मे बी, मुझे लगता है हेड का, हेड का फाइनल स्टेप होता है। ओके तो हाँ वो भी कम्प्लीट हो जाती है। ओके नाइस। तो इतना नेक के ऊपर से लेके जितना भी पोर्शन है वो पूरा फुल्ली रिलैक्स्ड जोन में चला जाता है। तो ये देखिए भैया काफ़ी अच्छे तरीके से, और यहाँ पे काफ़ी अभी पता चला है मुझे लोगों से कि एक बहुत परफेक्शनिस्ट तरीके से और सबसे मतलब हेड मसाज के माहिर जिसको कह सकते हैं वो भैया हैं। आपका गुड नेम भैया? कार्तिक जी। हेड की मसाज के मामले में सबसे फेवरेट बंदे हैं यहाँ पे, और काफ़ी प्रोफेशनली करते हैं, मतलब 1-to-1 कहाँ पे किस तरीके से किस जगह पे कितना पुश करना है, किस जगह पे कितना रब करना है, यही होता है ना भैया। हाँ तो वो चीज़ें देखिए आप देख सकते होंगे किस तरीके से अप्लाई कर रहे हैं, बिहाइंड द ईयर्स, फोरहेड, बिहाइंड हेड, तो हर जगह पे एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर स्टेप्स में करते करते हुए आपको एक डीप नींद में ले जाएंगे, फुल जो आप चाहते हैं कैमरा बंद कर दो। तो ठीक है बंद करते हैं और बाकी आप इंजॉय करिए, और अभी हेड मसाज को मैं दिखाता रहूँगा थोड़ी देर। आप सोने जा रही हैं, चाह रही हैं कि मुझे ये आवाज़ें परेशान ना करें, रिलैक्स हो जाओ ना। एग्जैक्टली ओके तो ये है पूरा प्रोसेस दोस्तों। बुकर ने बोला था कि कैमरा बंद कर दो, मैं थोड़ा दूर से जाके आप लोगों को दिखा रहा हूँ, और देख रहा कितनी सुकून से वो सोती हुई जा रही है। वाकई कार्तिक जी के हाथों में जादू है और पूरी रिलैक्स जोन में पहुँच रही है बुकर। तो लेट्स इन्जॉय हर, उसको इन्जॉय करने देते हैं, और आप भी आइए और इसी तरीके से डीप मेडिटेशन टाइप में अपने हेड्स को ले जाओ और सो जाओ। ये उंगलियों के इनके देखिएगा किस तरीके से बिल्कुल नरिश कर रहे हैं, जो होता है वाकई परफेक्शन है इनके हाथों में। मुझे तो देख के ही लग रहा कि इनको बुक्कड़ को काफ़ी मज़े आ रहे होंगे, तो बुक्कड़ को एंजॉय करने देते हैं इस पूरे हेयर मसाज हेड मसाज को, और आगे की प्रोसेसिंग फिर आपको हम दिखाते हैं। कड़ मुझे नहीं सो के उठ गई हो, आप बताओ क्या हाल चाल है आपके? मुझे नहीं पता मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ, किस दुनिया में रहती हूँ। इतनी बढ़िया बढ़िया ने मसाज करी है, बहुत मजा आ गई, मन कर रहा है बस सो जाए, अगर ऐसा आपको सो जाए। पिछले आधे घंटे से तो मैं वेट कर रहा हूँ कि जगो कब तुम, तो तुम घर सो जाए। अब मन कर रहा है काम धाम छोड़ के जाए बस खत्म। ओके टाटा बाय बाय। फुली रिलैक्स हो गए क्योंकि तुम्हें फिर से काम पे जुटना है। हाँ। तो अभी अच्छा फील हो रहा होगा ना कि कम से कम एक दिन रेस्ट करके, एक दिन मतलब एक आधे घंटे चार पांच घंटे। हाँ, एक आध घंटा दो घंटा में टाइम मिल गया। अभी हम जाएंगे, हमें पुराने लखनऊ जाना है पिज्जा का वीडियो शूट करने के लिए। तो फुली रिलैक्स होके फिर पूरा दम लगा के फिर करना है। हम आपको आपको यहाँ का पिज्जा खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, बहरहाल पिज्जा छोड़िए यहाँ भागते भागते चले आइए। बॉडी केयर बहुत अच्छा स्टाफ है, बहुत अच्छी आपको पूरी फैसिलिटीज मिलेंगी, आपको बिल्कुल रिलैक्स हो जाओगे आप। मैं अच्छा अभी तक जो भी ट्रीट हुआ, जितने भी बंदों ने आपके ऊपर काम किया है, हाँ। सभी लोगों का मतलब क्या लगता है? बहुत अच्छा, मतलब बहुत परफेक्शनिस्ट है, बहुत परफेक्ट, बहुत अच्छा है, मजा आ गई। ओके चलो बहुत अच्छा है। अभी भी आगे भी शायद कुछ चीजें अभी ट्रीट होनी है, तो आगे की भी वीडियोस बनाने हैं हम, अभी आगे भी पता चलेगा अभी क्या-क्या करने वाले हैं। तो ये फुली वीडियो आपको मिल जाएगा कुछ दिन में। हाँ, वो एक दिन में आने वाला है, और आप भी देख सकते हो और आप भी जान पाओगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे कैसे आप कर सकते हो, कैसे आप रिलैक्स फील कर सकते हो। लेग्स की जो चलते फिरते हैं, हाँ वही, हाँ एग्जैक्टली क्या चीज़, पेडिक्योर। हाँ मैम सोचे कि पैर की कुछ होता होगा, क्लीनिंग ऑफ पैर, इट मीन्स पेडिक्योर।
मतलब आप फुली रिलैक्स हो सकते हैं, आपको ऐसे फील आएगी आप महाराजा मजे आ रहे। पैरों को पानी में डाल के इसे पेडीक्योर कहते हैं। अच्छा, पेडीक्योर मतलब वही, मेरी लैंग्वेज में तो पैर पानी में ही है ना। हाँ, और ये और हाथ में क्या कर रही है ये तुम? ये मेडीक्योर। मेडीक्योर नाखून पे, हमारे नाखूनों को थोड़ा वो कर दीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा कम करना क्योंकि बहुत ज्यादा मैं ध्यान नहीं दे पाती हूँ, बहुत ज्यादा बड़े हो गए हैं। ओके, खाने के साथ साथ हाथ भी बड़े हो गए। ये काफ़ी अच्छे तरीके से और प्रोफेशनल वे में आज बुक्कड़ को ट्रीट किया जा रहा है और बुक्कड़ बिल्कुल रिलैक्स, पूरी फुल्ली रिलैक्स्ड हो रही है। नीचे के नाखूनों से लेके ऊपर के बालों तक, ऊपर के बालों से लेके हाथों के नाखूनों तक, समझ लीजिए फुल बॉडी इन्वॉल्व हो रही है इस पूरी प्रोसेस में और काफ़ी बेहतरीन तरीके से यहाँ के जो भी वो पूरा डिवोशन, पूरा मतलब ऑब्वियस सी बात है इनका वर्क है तो पूरी तरीके से उस वर्क को प्रोफेशनली कर रहे हैं। तो आप यहाँ जरूर आइए, एक बार फिर से हम लोग बोल रहे हैं, आप आओगे ना तो आपको लगेगा कि आप चाची में। वीडियो में आपको अच्छा लग रहा है तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, और उसके बाद अगर आप मेरे साथ आना चाहते हो, खाने के लिए चलना चाहते हो, कमेंट करो, हम आपको खाने पर ले चलेंगे और ऐसी जगह पर भी लेके आएंगे। बिल्कुल। ये क्या है सर? सॉल्ट ओके, इंक सॉल्ट है ताकि जितनी भी हमारी डेड स्किन है वो पील आउट हो सके, निकल सके, मतलब पील हो जाए। तो हाथों के पेडीक्योर अब हो रहा है, मेडीक्योर होता है ये, मेडी पैर होता है, पैर मतलब पेडी, हाथ मैनीक्योर हो रहा है। तो मैनीक्योर हो रहा है मैम का, और इन्होंने सारे जो भी चीज़ें पड़ती डाल दी हैं, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप देखते हैं हम लोग क्या होने वाला है। तब तक चाय हमारी आ गई है, तब तक हम चाय के लिए मजे लेंगे भैया, तब तक अपने नेक्स्ट प्रोसेस की ओर बढ़ते हुए, और आप लोग कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो, और भी चीज़ें आपको एक्सप्लोर होती रहेंगी लगातार इसी वीडियो में। अभी तक जितना भी डेड स्किन को सॉफ्ट करने के लिए पैरों को डिप करके रखा हुआ था वाटर में और कुछ रिलैक्सिंग के साथ, उसके बाद अब नेक्स्ट प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्लींजिंग ऑफ नेल्स एंड क्लींजिंग ऑफ डेड स्किन अब स्टार्ट होगा। गर्म है, पहले से ज़्यादा गर्म है। तो ये डेड स्किन की सेल्स को निकालने के लिए हाथों को और पैरों को काफ़ी देर तक इसमें डिप करके रखना पड़ता वाटर में, जिससे जितना भी डेड स्किन है वो निकल सके, और आफ्टर दैट नेल्स को और कॉर्नर्स को प्रॉपर तरीके से साफ किया जाता है। टर्म्स आप बोल दीजिए क्या होता है, ये टर्म्स क्या होता है, ये इसको क्या बोलते हैं? डेड स्किन होती है। हाँ, नहीं डेड स्किन को क्या करते हैं, पील आउट करते हैं, निकालते हैं, इसको निकालते हैं, क्लीन करते हैं। ओके, क्लीनिंग हो रही है इस समय डेड स्किन की। डेड स्किन कटर होता है, साइड कटर, हम लोग सब क्लीन करते हैं, ये देख सकते हैं। हेलो बुकर, कैसे हो आप? हेलो बुकर, कैसे हो आप सब? अब हाथ इनके नहीं उठ सकते हैं बोलने के लिए आपको कि हेलो बुकर कैसे हो आप सब, क्योंकि आप अभी नेक्स्ट लेवल पे आपको ले जा रहे हैं, आपकी लाइफ स्टाइल, खाने के बाद आपके साथ जो प्रॉब्लम्स होती है उसको कैसे सॉल्व करना है उस पर वर्क चल रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स खुद ही बुकर को होने लगी थी, हेड पर हुआ था, स्किन पे हुए थे, तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे रहे हैं, निकल रहा है, उसके लिए तो इनको दौड़ना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। खा रहे हैं, भूसे धूल मिट्टी में मत जाओ, ना उतना ही अपोजिट हो। की स्क्रबिंग स्टार्ट हो चुकी है काफ़ी, हाँ डेड स्किन पील आउट के बाद पूरे लेग का ना, पूरे लेग की
फुट मसाज, फुट मसाज होनी स्टार्ट हुई है, जो कि मुझे स्क्रबिंग, स्क्रबिंग जो कि लगता है मुझे इस प्रोसेस का लेग्स का फाइनल, फाइनल ये फाइनल नहीं है, सेकंड स्टेप, सेकंड स्टेप। कितने स्टेप्स होते हैं ओवरऑल? थ्री टू फोर स्टेप्स होते हैं ये सेकंड स्टेप है। काफ़ी रिलैक्स फील हो रहा होगा मैम आपको, चुपचाप सो जाओ पैर कैमरे पे। मसाज लगभग कंप्लीट हो चुकी है और दो स्टेप्स बाकी हैं, उससे जब तक वो हो रही हैं तब तक हाथों की डेड स्किन्स निकाली जा रही हैं यहाँ पे, और उसके बाद हाथों की मसाजेस होने वाले हैं। तो नीचे से तो पूरी तरीके से रिलैक्स हो चुकी हैं भुक्कड़ घुमक्कड़, अभी हैंड मसाज के बाद देखते हैं क्या होगा। कैसा लग रहा है आपको मैम? पूछो नहीं पूछेंगे नहीं तो जनता को कैसे पता चलेगा, आप बताइए पूरी तरीके से। आज मैं किसी और दूसरी दुनिया में आ गई हूँ। अच्छा, आज इनका बोलने का मन नहीं है, पूरी फुली रिलैक्स मोड में है, तो इनकी चीज़ों को मैं डिलीवर कर रहा हूँ आज, मैं मेरा बोलने का काम हो चुका है। ये देखिए इनके हाथ पैरों को फुला दिया गया है पानी में, फुला दिया, हाँ डेड स्किन निकल चुकी है, पानी में फुला दिया गया, वाह। मैनीक्योर, अब की मैंने सही नाम लिया, मैनीक्योर इनका हो रहा है और प्रोसेस स्टार्ट है। धीरे धीरे इनकी डेड स्किन्स निकाली जा रही, डेड स्किन्स निकालने के बाद इसके भी मसाजेस होंगे भैया, हाथ के भी मसाज होगा जैसा कि पैरों की, वो तो ऑब्वियस सी बात महिलाएं जानती ही होंगी, लेकिन और जो लड़कियाँ पुरुष भी देख सकते हैं, देख जानते ही होंगे। तो हम ओवरऑल प्रोसेस, हमारा मकसद ये है कि यहाँ पे कितनी बेहतरीन तरीके से चीज़ों को किया जा रहा है वो आपको दिखा रहा है, और मस्ट यू हैव टू कम हियर, और ज़रूर आइए आप लोग यहाँ पे। वाह, पूरा रिलैक्स मोड में भुक्कड़ घुमक्कड़ जाती हुई। तो दिस इज़ द फाइनल स्टेप ऑफ हैंड मैनीक्योर। अभी क्या अप्लाई हो रहा है भैया? पैक और ठंडा ठंडा फील हो रहा है मुझे। इसके बाद मतलब क्या होता है, ग्लो हो जाती है इसके पूरी तरीके से। तो कैसा फील हो रहा है अभी? टैनिंग भी निकल जाएगी, टैनिंग फ्री होता है इसके बाद। ओके, ये देखिए लास्ट स्टेप चल रहा है और कूल कूल लग रहा है, टैनिंग फ्री करने के लिए अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत मेहनत करी है। नहीं, काम तो मैं भी देख रहा हूँ, काफ़ी शिद्दत से ये काम कर रहे हैं, मतलब जो भी स्टेप है प्रॉपर स्टेप, कितना टाइम लगना चाहिए, कितने गैपिंग्स होने चाहिए हर एक स्टेप्स के बाद, वो सारी प्रॉपर कर रहे हैं। तो बिल्कुल आप सभी लोग भी आप यहाँ पे आइए, और वाकई एक बहुत बेहतरीन जगह और बेहतरीन तरीके से ट्रीट करने वाले लोग यहाँ पे हैं, तो आप लोगों को ऑब्वियस भुक्कड़ अगर कह रहे तो आना जरूर चाहिए। क्यों कर, अभी तुम पूरी तरीके से सेटिस्फाई हो, बहुत संतुष्ट हो चुकी हो? बहुत ज़्यादा। उनके काम से बहुत ज़्यादा, भर भर के लोगों को देखने वाली हो जाएगी। आप भी आना जरूर, जो जो ये वीडियो देख रहे हैं अभी, सभी लोग। हाँ, तो फाइनली मुझे लगता है कि सारे स्टेप लगभग पूरे हो चुके हैं, चल रहे हैं, और ये लास्ट स्टेप है जो कि फाइनल की ओर बढ़ रहे हैं। कम से कम 4 घंटे से हम लोगों ने पूरे प्रोसेस किए, बहुत लंबा वीडियो भी हो जाएगा ये। फेस मसाज, हेड मसाज, हैंड मसाज, लेग मसाज, फिर हम इसे यूट्यूब वीडियो भी मना लेते हैं, बिकॉज आप सब भी देख पाएंगे कि हम क्या कर रहे होते हैं, कैसे कर रहे होते हैं चीज़ें। तो अभी बहुत रिलैक्स फील हो रहा है, मज़ा आ रही है बहुत ज़्यादा। तो अब जो पैक लगाया गया था लास्ट में को रिमूव करते हुए, और ये शायद फाइनल है, क्यों भैया? ये फाइनल हो चुका है, उसके बाद पूरा डन हो चुकेगा, फाइनल ट्रीटमेंट चल रहा है आकांक्षा जी का। हर एक स्टेप को कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ता है, कुछ ना कहीं कुछ टाइम के लिए होल्ड करना पड़ता है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे जाना पड़ता है, ये मैंने आज सीखा यहाँ पे। अच्छा। तो परफेक्शन अगर चाहिए तो इस तरह का परफेक्शन होना चाहिए। देखिए कितना मतलब काम में चलिए ना, हम इनसे बातें करना चाह रहे हैं लेकिन सुन रहे हैं, हंस रहे हैं, लेकिन उनको पता हम अपने काम में डिस्ट्रैक्ट हो गए, तो हमारे काम, हम काम की वजह से जाने जाते हैं। ये चीज़ सबसे अच्छी लगी मुझे।
एक नेक्स्ट वीडियो अगर आपको चाहिए मेकअप कर रहे हो तो बताइएगा, आप वो भी ट्राई करेंगे, आप भी हमें कमेंट करिएगा और मेकअप करते हुए भी हम आपको दिखाएंगे। वैसे यूजली मैं मेकअप करती नहीं हूँ क्योंकि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ मेकअप में, नहीं मैं कोशिश करूँ ऑडियंस के लिए, हाँ उनको एक बेटर जगह पता चले, हाँ आपके लिए हम ट्राई करेंगे। और आप भी इन जगह पे आ सकते हो, आपके घर में अगर शादी है या कोई फंक्शन होता है तो आप यहाँ भागते भागते आ सकते हो, ट्राई कर सकते हो बिल्कुल। ये सारे स्टेप्स क्लियर करते हुए हेड मसाज, फेस मसाज, मैनीक्योर, पेडीक्योर, सारे स्टेप्स होते हुए फाइनली जो हम लोगों ने बाल में अप्लाई किया था हेयर मास्क, उसको रिमूव करने के बाद ड्राई कर रहे हैं और ये लास्ट स्टेप है इस प्रोसेस, पूरे प्रोसेस का, होल प्रोसेस का लगभग 3 से 4 घंटे लग चुके हैं हमें यहाँ पे। तो काफ़ी बेहतरीन तरीके से चीज़ें हुई हैं और देखते हैं ये लास्ट स्टेप आप देख रहे हैं, अभी आपको फाइनल मिलेगा कि क्या होने वाला है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं भैया? जुड़ रहा है। ओके। तो ये फाइनली मेरा यहाँ का लुक है और माई भाई अभी घर आ रहे हैं, जो थोड़ी देर से हमारे लिए कैमरा चला रहे थे और अभी ये अपना कुछ दाढ़ी वगैरह क्या बोलते हैं इसको, बियर्ड है ना, वो करवा रहे हैं। और कैसा चल रहा है अभी? हो जाएगा तब देखना, तब देखना, देखना पहले वो देखने के बाद, अभी नहीं दिखाएंगे हम इनका। उसके अलावा यहाँ का पूरा साफ, और ये है पूरा बॉडी एंड केयर सलून जहाँ पे आप आ सकते हो और बढ़िया से सारे चीज़ें ट्राई कर सकते हो। तो ये मेरा फाइनल लुक है और ये मैं हूँ और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत रिलैक्स फील हो रहा है। अभी आगे की चीज़ माही बताएंगे आपने। तो ये फाइनल लुक है मेरा और काफ़ी कुछ कराया मैंने, सब कुछ यहाँ पे ट्राई किया है। उसके अलावा ये पूरा स्टाफ है जिन्होंने बहुत हेल्प करी हमारी और बहुत अच्छे से यहाँ पे मतलब रहते हैं और करती है चीज़ें। अगर आपको आना है तो आलमबाग में फिलिप्स यूनाइटेड मॉल के जस्ट सामने है बॉडी केयर दूल्हागढ़ में, और वहाँ आप आ सकते हो बहुत ही रिजनेबल प्राइस में, आप सारी फैसिलिटी की सारी सुविधाएं ले सकते हो और अच्छा फील कर सकते हो। मिलेंगे किसी और नए वीडियो में, तब तक ले बाय।